नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशा। नेशनल टुडे 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर देखें उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से। उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद में निकाय चुनाव की सरगर्मियां जैसे जैसे तेज हो रही हैं, वैसे वैसे लोग अपनी अपनी समस्याओं को लेकर जगह जगह विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। क्षेत्रवासियों ने ऐलान किया कि समय रहते अगर हमारी समस्या का समाधान नहीं किया गया तो वह निकाय चुनाव का बहिष्कार करेंगे और अपने क्षेत्र में वोट नहीं डालेंगे। इस संबंध में 30 फुटा रोड पूर्व पार्षद उम्मीद हसन, वार्ड नंबर 66 के लोगों का आरोप है कि हमारे वार्ड को जानबूझकर लेखपाल के द्वारा बता दें कि कुछ गलियों को इस वार्ड में नहीं जोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से उन गलियों का विकास पूरे 5 वर्ष में नहीं हो पाया है। अब तक कोई विकास नहीं हुआ है। संबंधित पार्षद या तो ये कहकर पल्ला झाड़ देते हैं कि हमारे क्षेत्र में आपकी गली मोहल्ला नहीं आता, इसलिए हम विकास नहीं कराएंगे। सभी क्षेत्रवासियों में मोहम्मद अनीस, मोहम्मद इंतजार, लाला फारूकी व तमाम अन्य मतदाताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन जताया और कहा कि अगर समस्या का समाधान नहीं किया गया तो हम लोग वोट का बहिष्कार करेंगे। उन्होंने गंभीर आरोप भी लगाए कि लेखपाल के द्वारा सत्ता के दबाव पर इन गलियों को नहीं जोड़ा जा रहा है। अब देखना यह है कि अधिकारी इस मामले पर क्या संज्ञान लेते हैं। फिरोजाबाद से खास रिपोर्ट देखिए इरफान अब्बासी के साथ। हमारी मांग पूरी करो, हमारी मांग है पूरी करो, हमारी मांग है पूरी करो। अगर ये बात एक नहीं हुआ तो इसका बहिष्कार करेंगे, नहीं देंगे हम वोट देंगे। जनता एकता, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज आप 30 फुटा रोड के लोग इकट्ठा हुए हैं, किस चीज का विरोध है, किस बात को लेकर गुस्सा है आप लोगों में, विस्तार से बताएं। आज हमारा प्रदर्शन इस बात का है, इसलिए आज बैठ के लोग गुस्सा हैं इस बात को लेकर कि अब तक हमारी गली नंबर 5, 4, 7, 6, 9 ये गलियां सारी काट कर वार्ड नंबर 65 में पहुंचा दी है, जो कि वार्ड सड़क के उस तरफ जाता है। ये गलियां पहले किस वार्ड में आती थी? पहले 66 में थी, फिर 65 में कर दी गई। अब उसके बाद इन्होंने अभी तक 3 गलियां थी, अब इन्होंने बाद में हमारी 2 गलियां और हैं जो अब तक 65 में थी, अभी भी है, लेकिन ये भी 65 में ले गए, जो कि 66 में है इस वक्त, 66 में है। अब इसको उठाकर ये 65 में ले गए, तो इसके विरोध में हम सारे लोग बाड़वासी इसका बहिष्कार करते हैं और कल आने वाले इलेक्शन में जब इसका इलेक्शन होगा उस दिन हम इसका पूर्ण तरीके से बहिष्कार करेंगे, कोई पोलिंग नहीं होने देंगे, बूथ बिल्कुल निस्तेज कर देंगे एकदम करके। ये अभी पिछले 5 साल पार्षद रहे तो इन गलियों में विकास हुआ कि नहीं हुआ? इसमें कोई विकास नहीं हुआ, कैसा दूसरे विकास को लेकर हम परेशान क्या कह के पल्ला झाड़ते थे पार्षद? वो तो ये आपत्तियाँ भी हमारे पास मौजूद है जो हम इनको दे चुके हैं। ये सारी आपत्तियाँ हमारी जो लगा रखी है हमने खुद लगाई है, लेकिन उसके बाद भी ये सब काट दिया गया। आपका कहना ये है कि नगर निगम आपत्तियां तो मांगता है लेकिन आपत्तियों पर कार्रवाई नहीं होती, काम नहीं होता, कोई भी काम नहीं करता, तो हम ये चाहते हैं। तो आपत्तियां लेते ही क्यों विभाग के लिए? बेशक आपकी बात सही है कि अपना आपत्तियां आप लेते हो तो उस पर कार्य करो, और करने का काम ये है कि आगे से जो कड़ी थी 2 कड़ियां तो ये जोड़ गए आज, लेकिन बाकी का पार्ट फिर इधर से काट गए। लेखपाल क्या कह रहे हैं आकर? लेखपाल आए थे, लेखपाल का तो इस सब पर एक काम है इन लोगों के। क्या नाम है लेखपाल का? लेखपाल का क्या नाम था इसका? दरबार लेखपाल आए थे, इन्होंने सिर्फ 2 गलियों को जोड़ा जो पहले से कटी हुई थी 65 में थी, उनको जोड़कर 66 में कर गए, जो 66 में अब तक है इनको 65 में कर गए। ये उनकी कलाकारी है, हमने उनको बहुत समझाया लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं मानी। और हमारा वार्ड जैसा था अगर नहीं सही कर सकते हो जैसा था वैसा कराया, और नहीं करती है तो अरवाज भाई को हम कोर्ट में खींच के ले जाने काम करेंगे। नाम क्या है आपका? उम्मीद हसन, पूर्व पार्षद। अच्छा, कौन से वार्ड से थे आप? 66 से। क्या समस्या है यहाँ? समस्या बहुत गंभीर है, पहले जैसा वार्ड था हमारा या तो वैसा कर दिया जाए, और एक लेखपाल ने पैसे घूस खाकर 2 गलियां 65 की 66 में कर गया, और 2 गलियां हमारी पहले थी 66 में वो 65 में कर दी गई। लेखपाल पर आप आरोप लगा रहे हैं, कोई इसका सबूत प्रूफ है आपके पास कि घूस वगैरह खाने को लेकर? बिल्कुल सबूत है, जब काम कर रहे हैं क्योंकि इससे पहले थी नहीं, लिस्ट की सबूत है हमारे पास, लिस्ट में हमारा वोट है इस गली में, हमारा इस वार्ड में जो गलियाँ थी फिर क्यों काट दी इन गई?
अब आप चाहते हैं क्या सर? हम चाहते हैं या तो बाट पहले ऐसा हो जाए हमारा, या सारी गलियां लाई जाए हमारे बाट ही नहीं करा सकते, तो जैसा हमारा वैसे ही रहने दें। अगर आपकी मांगों को समय रहते हुए मांगा पूरी नहीं की गई तो फिर अगला कदम क्या होगा? अगला कदम हम कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे, लेखपाल के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। चुनाव को लेकर वोटिंग की बात कर रहे हैं, वोटिंग की बात नहीं करेंगे। जनता हमारे वार्ड में जो भी गलियां काटी गई हैं इसका बिल्कुल पूर्ण तरीके से निष्कास करेंगे, इसको बिल्कुल पोलिंग नहीं देंगे, वोट नहीं करेंगे, वोट का बहिष्कार करेंगे, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल। उस बूथ पर कोई वोट नहीं निकलेगा, ये सारा वोट 66 में गया था, इस बार 65 में डलेगा लेखपाल के हिसाब से, जो आज लेखपाल आए उनके हिसाब से ये सारा वोट 66 का आया, जो को लिखा भी है इस पर वार्ड नंबर 66, लेकिन इस बार 65 में। आपका? हमारा नाम इंतजार है। इंतजार जी कौन से वार्ड में रहते हैं आप? 66 में। 66 में रहते हैं, तो जैसे कि अभी कुछ लोगों का कहना था कि वार्ड नंबर 66 की जो गलियां थी सभी भाई पहले के जो पार्षद थे वो ये कह के पल्ला झाड़ते थे कि ये हमारे क्षेत्र में नहीं है, तो क्या विकास नहीं हुआ उन गलियों का? नहीं विकास हुआ सर। अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि इन गलियों को जैसा था वैसे ही बनाए रखे, जो हमारे जो आने वाले पार्षद है वो काम कर सके इसमें।